बसमान रहीम अस्सलाम वालेकुम बहुत सारे लोगों से आपने क्रिप्टो करेंसी के बारे में सुना होगा क्रिप्टो ट्रेडिंग बिटकॉइन इससे कैसे प्रॉफिट कमाया जाता है इससे कैसे पैसे कमाए जाते हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग कर के लोग किस तरह से पैसे कमा रहे हैं आज आपको सारी चीज़ें मैं समझाने जा रहा हूँ बेसिक लेवल से एडवांस तक यानी कि सबसे पहले क्रिप्टो और ना सिर्फ समझाने जा रहा हूँ बल्कि करके भी दिखाऊँगा तो पहले बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी किस तरह से काम करती है आप किस तरह उस पर प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर कर सकते हैं उसके बाद आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही किस तरह बिट ले सकते हैं सेल कर सकते हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या है बाकी कॉइन्स में ट्रेडिंग किस तरह होती है डे ट्रेडिंग क्या है लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग क्या है वो जो कैंडल्स ग्रीन रेड आपको नजर आ रही होती हैं वो किस तरह से, तरह से काम करती हैं क्या चीज़ें हैं किस तरह आप प्रॉफिट कमा सकते हैं किस तरह आप लॉस में जाते हैं ये सारी चीज़ें इसी वीडियो में कवर होने जा रही हैं इसलिए गौर से देखिए अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग की मार्केट में काम करना चाहते हैं तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर लेकिन अगर आपने को अब तक सब्सक्राइब सब्सक्राइब नहीं किया हो तो के बटन दबा दीजिए बेल आइकन के नोटिफिकेशन को दबा दीजिए ताकि हम बार बार मिलते रहें और एक दूसरे को ग्रो करने में एक दूसरे का साथ देख सके साथ में आपको आखिर में लॉन्च पैड के बारे में भी बताया जाएगा जहां पर नए नए टोकन लॉन्च होते हैं यानी कि फॉर एग्जाम्पल बिटकॉइन आपने शुरू से नहीं लिया तो अब आप सोच रहे होंगे काश हमने उस टाइम जमाने में ली तो लॉन्च पैड क्या क्या है लॉन्च पैड पे कैसे टोकन लॉन्च होते हैं और उससे कैसे प्रॉफिट कमाया जाता है ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे तो सुकून से बैठ के गौर से देखें तो दोस्तों यहां पर आपके सामने बाइनेंस की एप्लीकेशन है जो कि क्रिप्टो करेंसी का नंबर वन प्लेटफॉर्म है नंबर वन ट्रेडिंग एक्सचेंज है सबसे पहले आपने बाइनेंस पे अकाउंट बनाना होता है उसके बाद वेरीफाई करना होता है ताकि आपके सारे फंड्स हमेशा के लिए सेफ़ रहें कहीं कुछ जाए नहीं अब अगर आपको बैलेंस का अकाउंट नहीं बनाना आता या वेरीफाई नहीं करना आता तो आप सिंपली यूट्यूब पे जाके लिखेंगे हाउ टू क्रिएट बैलेंस अकाउंट तो आप यहां पर देख सकते हैं क्रिएट एंड वेरीफाई बैनेंस अकाउंट 16 मिनट की यह कंप्लीट वीडियो है जहां पर आप अपना बैलेंस अकाउंट बना के उसको वेरीफाई करवा के उसके बाद ही काम शुरू कीजिए क्योंकि अगर आपका अकाउंट वेरीफाइड नहीं है तो इट्स बेटर कि आप सबसे पहले उसको वेरीफाई करवाएं सही तरीके से बनाएं ताकि उसके बाद आप सेफ होके काम करें अब ओपन कर लेते हैं बैलेंस एप्लीकेशन को यहाँ पर आप वॉलेट्स में जाए तो यहाँ पर अपने मैंने वॉलेट में हाइड किए हुए हैं ठीक है ये मेरा स्पोर्ट वॉलेट है मैंने अपना बैलेंस हाइड किया हुआ है आई एम सॉरी मैं दिखा नहीं सकता लेकिन यहाँ पर नीचे आपको कॉइन्स नजर आ रहे होंगे ये जितने भी कॉइन्स हैं यानी कि ये कॉइन्स मैंने खरीदे हुए हैं और जब ये प्रॉफिट पर जाते हैं तो मैं इनको बेच प्रॉफिट कमा लेता हूँ अब ये बैलेंस ट्रेडिंग होती क्या है स्पोर्ट ट्रेडिंग करते किस तरह से हैं सबसे पहले मार्केट पे अगर आप जाए तो यहाँ पर ये फेवरेट पे मैंने रखा हुआ है ठीक है

ले कैसे सकते हैं सबसे पहले आपके पास यूएसडी पड़ा हुआ और ये USDT जो है, इसमें आप के पास पैसे होने चाहिए USDT से आप इजीली ले भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं कहां से ले सकते हैं फंडिंग में यहीं से आपने फॉर एग्जाम्पल बाय करना है तो यहां पर टू नाइन थ्री का आपको मिलेगा याद रखिए जितने भी डॉलर चल रहा है उससे बीस रुपये पंद्रह रुपये ऊपर आपको यहां पे मिलता है दस है लेकिन बिकता भी उतने ही ऊपर पे अब यहां देखें कि बिक भी टू नाइनटी टू पे ही रहा है ये नहीं कि सेल महंगे पे करोगे बिकेगा कम पे नहीं बिकेगा भी उतने पे क्योंकि ये यूएसडी की प्राइस है सिर्फ डॉलर की नहीं ठीक है अब यहां पर फॉर एग्जाम्पल हम बाय करते हैं और बाय करने के लिए सबसे पहले आप पेमेंट मैथड यहां मिजान बैंक है इजी पैसा है बैंक ट्रांसफर है जैज कैश जो भी आप जिससे भी फॉर एग्जाम्पल इजी पैसा से करनी है इजी पैसा के okay, ठीक है यहां पर टू नाइन्टी सेवन का इजी पैसे से मिलेगा बाय करेंगे यहां पे अमाउंट लिखेंगे बाय विद जीरो फीस ठीक है आप यहां पर पे करेंगे इजी पैसे से आपको अकाउंट नंबर बताया जाएगा उस पर पे, पे करेंगे कोई भी यहाँ पे जिस तरह ट्रेडर यहाँ पे जिस तरह आपने सेल करने होंगे तो आप भी यहां पे पोस्ट लगा के सेल भी कर सकते हैं ठीक है इसी तरह लोग बेचते हैं और लेते हैं यहाँ एक्सचेंज और ये कंप्लीटली सिक्योर है सेफ है अगर आपको वो बंदा पैसे आपने भेज दिए और वो नहीं देता तो उसका अकाउंट लॉक कर देता है बाइनेंस ठीक है तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि वो भेजेगा नहीं है वो तो वो सारी इंस्ट्रक्शंस आपने पढ़ लेनी है ये भी खैर वेंडिंग के लिए अलग पूरी वीडियो बनी हुई है वो बता दूंगा अब बिटकॉइन फॉर एग्जांपल यूएसडीटी आपने ले लिए अब आ जाते हैं बिटकॉइन आपने लेना है या डे ट्रेडिंग किस तरह करनी है लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग किस तरह करनी है अब यहां देखें तो मैंने 15 मिनट का चार्ट ओपन किया हुआ है इसी तरह 1 आवर का चार्ट है 4 आवर का चार्ट है 1 डे का चार्ट है अब फॉर एग्जांपल फिफ्टीन मिनट के चार्ट पे ये जो कैंडल है ये जो ग्रीन कैंडल है रेड कैंडल है इसको कैंडल्स कहते हैं ठीक है ये जो कैंडल है ये पंद्रह मिनट की एक कैंडल है फिर पंद्रह मिनट की ये है पंद्रह मिनट की ये है पंद्रह मिनट की ये है इस पंद्रह मिनट का ये मतलब है वन आवर का खोलेंगे तो ये हर कैंडल एक एक घंटा बता रही है इस फोर आवर हर कैंडल uh, चार घंटे बता रही है इस तरह वन डे हर कैंडल एक एक दिन की है अब यहाँ पर हमें किस तरह पता चलता है बिटकॉइन ऊपर जा रहा है या नीचे ये जो रेड कैंडल है ये शो करती है कि बिटकॉइन नीचे आया है अब फॉर एग्जांपल वन डे को अगर हम खोलें तो एक यहां पर आप देख सकते हैं कि एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस दस दिन पहले जो बिटकॉइन था यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उन्नीस का आप सॉरी डॉलर का आपको मिल रहा था ठीक है अब यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल उन्नीस हज़ार डॉलर के आपको उन्नीस हज़ार डॉलर का खरीदने की जरूरत नहीं है आप सौ डॉलर का भी ले सकते हैं दस डॉलर का भी ले सकते हैं ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल दस डॉलर का मैंने ले लिया उन्नीस हज़ार पर जब बिटकॉइन था तो मैंने दस डॉलर का ले लिया अब बिटकॉइन चला गया सत्ताईस हजार पे दस दिनों बाद ठीक है तो अब मैं यहाँ पर सेल करता हूँ तो जितनी परसेंटेज बनती है उस हिसाब से फॉर एग्ज़ाम्पल दस डॉलर थे तो वो तेरह डॉलर हो जाएंगे ठीक है तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ तो वो आप इजिली निकलवा सकते हैं लेते बेचते कैसे हैं वो भी आपको बताता अब जो डे ट्रेडिंग है लोग जिस तरह बिटकॉइन छब्बीस हजार आठ सौ सताइस पे था यहां पर लोगों ने ले लिया और उसी दिन जैसे ही थोड़ा सा ऊपर गया उन्होंने बेच दिया वो थोड़ा थोड़ा करके एक डॉलर दो डॉलर दस डॉलर पचास डॉलर इस तरह प्रॉफिट कमाते हैं ज्यादा बड़ा प्रॉफिट की तरफ नहीं जाते फॉर एग्जाम्पल आपने बिटकॉइन आज के ही दिन लिया सताइस हजार फोर एटी नाइन का ठीक है अब जैसे ही ये आप देखें अट्ठाइस हजार पे गया हुआ है यहां पर मैं सेल कर दूंगा ठीक हो गया यानी कि थोड़ा सा प्रॉफिट कमा के निकाल फिर कल मार्केट में जब बिटकॉइन थोड़ा सा नीचे आएगा, मैं फिर बाय कर और एक चीज सुन लीजिए अब एक होती है लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग लॉन्ग टर्म क्या है अब जिस वन डे का खोलें तो यहां पर बिटकॉइन टाइम में सोलह हजार दो सौ छप्पन पे भी था अब मैं कहता हूं कि ये बिटकॉइन काफ़ी नीचे आया हुआ है सोलह का मैं ले लेता हूं और उसके बाद जब ये लॉन्ग टर्म में फॉर एग्जांपल 27,000, 28,000 मैं कहता हूं जब 60,000 पे जाएगा तब मैं बेचूंगा तो मेरे यहां पर जितने भी लगाए हुए हैं वो डबल से ट्रिपल हो जाएंगे भाईजान अगर मैंने 16 पे लिया और जब बत्तीस पे जाएगा तो वो डबल हो जाएंगे जब वो सिक्सटी पे जाएगा तो वो मल्टीप्लाई बाय फोर हो जाएंगे अब अगर बिट का पीछे से आप चार्ट देखें थोड़ा पीछे करें तो एक टाइम पे जो बिट था वो सिक्सटी को भी इसने टच किया ठीक ठीक है है अब अब 69,000 69,000 से पहले अगर देखें देखें तो लोगों ने ये कि 8,000, 6,000 6,000 पे 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 भी था है? अब जिसने पे लिया और उसके बाद तक गया 58,000 ही उसने सेल कर दिया तो आप मल्टीप्लाई करें उसकी अमाउंट कितनी हो गई होगी अगर उसने डॉलर या सौ डॉलर भी, भी लगाया तो उसकी मल्टीप्लाई करें $10, उसका $100 से भी ज्यादा हो गया होगा ठीक है तो ये चीजें होती कि मतलब एक लॉन्ग टर्म लगा के रख दिया और उसके लिए राइट टाइम अब फॉर एग्जाम्पल अट्ठाईस हजार पर चल रहा है तो मेरे ख्याल में अभी इस वक्त मे uh, बी ये मीडियम प्राइज है इसके बाद ऊपर जा सकता है ठीक है और इस पर न्यूज़ पे काफी नजर रखनी पड़ती है इससे रिलेटेड ऊपर नीचे जाती है ठीक है लेकिन जब नीचे आए उस टाइम पैनिक होने की जरूरत नहीं होती बल्कि लोग होते हैं सेल कर देते हैं अब फॉर एग्जांपल बिटकॉइन आया नया सोलह हज़ार पे आपने पैनिक हुए यार ये और नीचे आ जाएगा आपने बेच दिया आपने लॉस कर दिया ठीक है लेकिन अगर आप वेट करते तो ये देखें अट्ठाईस हज़ार पे दोबारा आ गया अगर आपने बीस पे लिया सोलह पे बेच दिया तो आपने लॉस कर लिया अगर आपने वेट किया अट्ठाईस पे आया प्रॉफिट में बेच दिया इट मीन्स कि यार यहाँ पे थोड़ा टाइम देना होता है अगर आप लॉन्ग टर्म चल रहे हैं डे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसमें और बात है अब लेते कैसे हैं बेचते कैसे हैं अब मैं चाहता हूँ कि जी मैं सौ डॉलर का बिटकॉइन ले लूँ बाय के बटन पर आप क्लिक करेंगे यहाँ पर एक बाय का ऑप्शन है यहाँ एक सेल का ऑप्शन है ठीक है दो ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं अब बाय मैं मैं चाहता हूँ अब आप ऑर्डर भी लगा सकते हैं ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि यार जब मैं सोया हूँ हूँ लेकिन बिट जब सताईस हज़ार पाँच सौ पे आए ना तो मेरा जो है वो यू एस डी टी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लग जाए पाँच सौ लग जाए ठीक है 500 डॉलर का मेरा जब बिटकॉइन सताईस हज़ार पाँच पे आया तो मेरा लग जाए या पचास का या दस का आप जितना चाहते हैं तो आप सो भी जाएंगे ये आपका ऑर्डर लगाओ जब बिटकॉइन यहाँ पे नीचे आपकी प्राइस पे आएगा तो ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपका बिटकॉइन हो जाएगा इसी तरह फॉर एग्जाम्पल मेरे पास बिटकॉइन अगर पड़ा हुआ है मैंने ले लिया है और उसके बाद मैं कहता हूँ कि सताईस हज़ार पाँच सौ पर लिया हुआ था तो ये जब अट्ठाईस पाँच सौ पे जाए ना तो मेरा अमाउंट जितनी बी टी सी हंड्रेड परसेंट करेंगे तो जितनी आपके पास पड़ी हुई है वो यहाँ लग जाएगी तो वो आपको कन्वर्ट करके बताएगा कि इतने पे इतना बनता है ठीक है तो वो ऑर्डर आपका लग जाएगा और जैसे ही बिटकॉइन उस प्राइस पे पहुंचेगा आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट अब यहाँ देखें कि मैंने एक बिटकॉइन 26,800 पे जब आए तो मेरा इतने लग जाएं ठीक हो गया ये मैंने प्राइस लगाई हुई है ये आई एक टोकन है ये जब नौ पे जाए तो मेरे ये सेल हो जाए ये शिबा कोइन है ये जब इतने पर जाए तो मेरे ये सेल हो जाए ठीक हो गया ये मैंने एक प्राइस लगाई हुई है ऑर्डर्स लगाए हुए हैं ये आप लगा के रख भी सकते हैं उसके बाद अगर आपने अभी इसी प्राइज़ में लेना है तो उसी प्राइज लिख के यहाँ पर लगाएंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगी अब जनाब इसी तरह बिटकॉइन सिर्फ नहीं है बी एन बी है इथिरियम है कोई भी टोकन आप लेना चाहते हैं कुछ भी करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ईजीली ले सकते हैं बेच सकते हैं उसके बाद सिंपल आपने निकलवाना है तो वॉलेट में जाके फंडिंग में जाके ठीक है पी टू पी में जाएँ और पी टू पी में यहाँ पर सेल कर दें सेल के ऑप्शन पर पे आप पेमेंट मैथड फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ सिर्फ ईजी पैसा में मुझे चाहिए तो मुझे ईजी पैसा में मिल जाएंगे ठीक है मैं चाहता हूँ मुझे बैंक में चाहिए तो यहाँ बैंक ट्रांसफर लिखूंगा ठीक है यहाँ पर अमाउंट टू नाइनटी टू पर मेरे सेल हो रहे हैं तो मैं यहाँ से यू एस डी टी सेल कर दूंगा जो बिटकॉइन से मैंने यू एस डी में कन्वर्ट किए थे निकाले थे ठीक हो गया इजीली आप डिपॉजिट या विदड्रॉ कर सकते हैं किसी भी टाइम किसी भी एक्सचेंज पे पे और 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 उससे मजे की बात किस ना सिर्फ बल्कि किसी और पे, किसी एक्सचेंज वॉलेट पे आप अपने फंड ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप सिंपली यूएसडी या कोई भी फंड है है कुछ भी भी उसको कहीं और ट्रांसफर कर सकते हैं दुनिया की किसी भी एक्सचेंज पे किसी भी वॉलेट में किसी भी जगह आप हार्डवेयर वॉलेट सॉफ्टवेयर वॉलेट कहीं पर भी यानी कि इसमें एक्सचेंज का कोई लेना देना नहीं है आपके फंड से कोई लेना एक्सचेंज सिर्फ इसलिए है कि आपने बिटकॉइन लेना है अगर होल्ड करना है तो आप अपने वॉलेट में भी कर सकते हैं एक्सचेंज की जरूरत नहीं भी है अब आपको एक और चीज बता देता हूं कि लॉन्च पैड बाइनेंस का एक लॉन्च पैड है लॉन्च पैड क्या चीज होता है चलिए उसको देख लेते हैं अब यहां पर आपके सामने ऊपर ऑप्शन आ रहे हैं अर्न के मोर के ठीक है यहां पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने यहां खोलते हैं तो ऑटो इन्वेस्ट क्या बहुत सारी चीजें हैं वो मैं आपको बताता हूं अभी लेकिन फिलहाल हम बैलेंस लॉन्च पैड को देख रहे हैं अब यहां पे फॉर एग्जाम्पल एक अर्न का ऑप्शन है यहां पर आपको नजर आएगा ये अर्न के ऑप्शन में अर्न के ऑप्शन में एक ऑप्शन आता है आपके सामने लॉन्च पैड का लॉन्च पैड के ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि बैनेंस टोकन लॉन्च प्लेटफॉर्म अब ये क्या होता है कि बैलेंस कोई नया

USD इसकी लॉन्चिंग प्राइस है अब अगर इस प्राइस पे आपको ये टोकन मिल जाता है 0.025 और जैसे ही ये लॉन्च होता है ये एक डॉलर तक भी चला गया तो आप यहाँ पर देखें फ़ॉर एग्जांपल आपने 10 डॉलर के ये टोकन लिए थे तो अगर ये एक डॉलर तक भी चला जाता है तो वो 10 आपके 200 डॉलर तक बन जाते हैं ठीक हो गया यानी कि इसमें इतना प्रॉफिट गेन होता है लेकिन साथ ही साथ नुकसान भी होता है आपने ये नहीं कि ये लॉन्च हुआ और फिर ऊपर गया और आपने ऊपर जाके ले लिया तो वहाँ पर आपको नुकसान भी होता है तो ये बात अपने जहन में रखनी है अब ये कह रहे हैं कि बी एन बी होल्डिंग कैलकुलेशन पीरियड अब यहाँ पर यह टोकन लेने का तरीका क्या है कि आप जब तक ये लॉन्च नहीं होता जित यहाँ पर आप आके लॉन्च पैड पे इसका टाइम देख देख सकते हैं कितना रहता है उस टाइम के अंदर अंदर अगर आपके पास बी एन बी पड़े हुए हैं बी एन बी टोकन है जिस तरह बिट कोइन टोकन है इसी तरह बाइलेंस का एक टोकन है बी एन बी बी एन बी टोकन आप लेते हैं और ले कर उसको होल्ड करते हैं और होल्ड करते हैं इस सब्सक्रिप्शन पीरियड तक तो आपको बाइनेंस ऑटोमेटिकली उसमें से कुछ हिस्सा देगा इसकी कोई फिक्स अमाउंट या फिक्स परसेंटेज नहीं है यानी कि बी एन बी अगर आपने शुरू हुआ था उस टाइम से लेकर अब तक बी एन बी अगर अच्छे खासे 200, 300 डॉलर के 500 डॉलर के किसी ने होल्ड किया तो उसको तक आस्ते तो थोड़ा थोड़ा इसका हिस्सा देगा BNB को होल्ड करें अगर इस पीरियड तक तो आपको मिलते हैं तो वेल एंड गुड नहीं तो आप बी सेल करके प्रॉफिट में उससे निकल भी सकते हैं तो ये वो मौका होता है कि जब आप नेक्स्ट फ्यूचर में भी आप देख लीजिएगा लॉन्च पैड में कोई नया प्रोजेक्ट आए तो आप उससे पहले उसकी रिक्वायरमेंट सारी पढ़ सकते हैं सब्सक्रिप्शन टाइम उसकी कितनी है रिक्वायरमेंट क्या है किस तरह से ये सारी चीज़ें आप लॉन्च पैड से भी इनके टोकन ले सकते हैं ठीक हो गया जनाब अब यहाँ पर एक और चीज़ आती है ऑटो इन्वेस्ट ठीक है यानी कि आपको क्रिप्टो करेंसी नहीं आती ट्रेडिंग नहीं आती आप ऑटो इन्वेस्ट करना चाहते हैं या आप सिर्फ ट्रेडिंग नहीं करना चाहते आप सिर्फ़ डॉलर रख के जब डॉलर क्योंकि पाकिस्तान का आपको पता है डॉलर हमेशा महंगा होता है डॉलर रखना चाहते हैं डॉलर महंगा हो तो उसको बेच दें ठीक है तो आप ये करना चाहते हैं या फिर आप सिर्फ ऑटो इन्वेस्ट करना चाहते हैं या और बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शंस हैं स्टेकिंग आप करना चाहते हैं किसी भी कोइन की स्टेकिंग या ये चीज़ें तो ये कहाँ से आपको पता चलेंगी चलिए आपको बता देता हूँ तो ये चीज़ें आपको फॉर एग्ज़ाम्पल आप मिस्टर हाउ के चैनल पर आते हैं प्ले में आ जाइए प्ले में आने के बाद यहाँ पर ट्रेडिंग की प्ले में आप अगर आएंगे तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि एक इक्कीस मिनट की वीडियो है उसके बाद यहाँ पर एक तेरह मिनट की वीडियो है यहाँ पर एक पंद्रह मिनट की वीडियो है उसके बाद यहाँ पर नीचे आप अगर आए बाइनेंस पे उसके बाद ये सस्ता डॉलर खरीदें महंगा डॉलर बेचें ये वही पी टू पी वाला है उसके बाद ये ऑटो इन्वेस्ट वाला है ऑटो अर्न का ऐप खुद कमा कर देगी ठीक है यहाँ पर ये आप सारे ट्यूटोरियल्स हैं जिनमें डिफरेंट चीजें सिखाई जाती हैं आज की वीडियो में हमने सिर्फ एक स्पॉट ट्रेडिंग को सीखा और पैड को देखा तो ये है बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग आई होप सो आपको समझ आई होगी यहाँ पर बहुत सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं जी तो दोस्तों आई होप सो आपको समझ आया होगा कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी बाकी और ज़्यादा प्रो लेवल या और ज़्यादा मेथड्स के लिए आप ट्रेडिंग वाली प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और वहाँ देख सकते हैं वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिए कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिए और शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है मिलते हैं इन शीक और अमेजिंग वीडियो में तब तक के लिए अपना और अपने पैरों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा टिल नेक्स्ट वीडियो दुआओं में याद रखिए अल्लाह हाफिज़